हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड आई हैव इन द पास्ट डिस्कस द इश्यू ऑफ अटैक ऑन टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड एक्टिविटीज ऑफ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। वी डिस्कस द मैटर टूडे ऑल्सो अगेन। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एलिमेंट्स दैट हार्म द फ्रेंडली एंड वार्म टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बाय देयर एक्शंस और थॉट्स। आई थैंक प्राइम मिनिस्टर for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. Friends, Bharat Australia sambandhon ka parikshesh keval hamare do deshon tak simit nahi hai. Yah kshetriya sthirta, shanti और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। फ्रेंड्स, द स्कोप ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इज नॉट लिमिटेड टू मियरली आवर टू कंट्रीज। इट इज ऑल्सो लिंक टू रीजनल स्टेबिलिटी, पीस एंड ग्लोबल वेलफेयर। अ फ्यू डेज अगो in Quad Summit in Hiroshima with Prime Minister, we discussed Indo-Pacific issues. Bharat Australia sahyog global south ki pragati mein bhi labhkari ho sakte hain. Vasudhaiv Kutumbakam ki bhartiya parampara jo puri duniya ko ek parivar ke roop mein dekhti hai, Bharat ki G20 presidency ka मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल साउथ आल्सो। द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम दैट व्यूज द एंटायर वर्ल्ड एज वन फैमिली इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। I thank Prime Minister Albanese from the bottom of my heart for Australia's cooperation for our G20 initiatives. Friends, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आई इनवाइट प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस टू इंडिया फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस ईयर। एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू सी द ग्रैंड सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली इन इंडिया। एक्सलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंसी, आई एम एक्साइटेड टू वेलकम यू अगेन इन इंडिया फॉर द G20 समिट इन सितंबर दिस ईयर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो सिडनी से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सिडनी में पीएम मोदी अल्बनीज की द्विपक्षीय वार्ता हुई है और इस दौरान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
कई महत्वपूर्ण बातें की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इंडिया में इनवाइट भी किया है क्रिकेट के लिए भी और दिवाली की रोशनी देखने के लिए भी। हमारे संबंध आपसी सहयोग पर हैं, माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो देखिए, अल्बनीज को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी पीएम मोदी एंथनी अल्बनीज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऊर्जा व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है इन दोनों बड़े नेताओं के बीच। तो सिडनी में कल मेगा शो हुआ है और मोदी मैजिक देखने को मिला, और अभी आप देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन एनर्जी पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, सम्मान देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आभार जताया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।